हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड बहुत ही टाइम के बाद ये मेरे चैनल पे वीडियो जा रहा है, विच इज रिगार्डिंग द टैंक बैग, जो कि मैंने प्रीवियसली राइड के वीडियो में बोला था कि मैं आपको इसके बारे में रिव्यू बताने वाला हूँ। एंड स्पेशली ये जो टैंक बैग है, आपने पढ़ा ही होगा, दिस इज फ्रॉम गार्डियन गियर्स एंड विच इज शार्क मिनी, विच इज 18 liters टैंक बैग। लेट मी शो यू वॉट आर द फीचर्स एंड सम बी रोल्स ऑफ दिस टैंक बैग। स्टे ट्यून्ड। So now here you get this mini pocket in which you can keep your mini items, like in case chocolates or mini cables. So as you can see, ये जो पूरा साइज है बैग का, जब ये बैग अपन कम्प्लीटली ओपन करते हैं तभी ये इतना साइज का होता है। एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर मैंने अभी क्या क्या रखा है, जस्ट इन केस आपको, मतलब दिखाने के लिए कि अंदर कितना वॉल्यूम है एंड कितना चीज़ें आप स्टोर कर सकते हो। सो बेसिकली ये तो उसका कवर है। एंड यहाँ पे अंदर मैंने एक ये ऐसा एम्प्टी गोप्रो का केस है, मैंने यहाँ पे एक मेरा ट्राइपॉड रखा है, यहाँ पे अंदर छोटा सा मिनी वाटर बॉटल है, एक एक्शन कैमरा, एंड ये पूरा एक बॉक्स रखा था मैंने जो कि काफ़ी बड़ा है। एंड लुक एट दिस पीस विच यू गेट आफ्टर ओपनिंग द बैग कम्प्लीटली टू इट्स कैपेसिटी विच इज़ 18 liters। एंड यहाँ पे अंदर आपको एक नेट पाउच मिलता है, या यू कैन इजिली कीप योर डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आपको एक हुक मिलता है, यहाँ पे आप कुछ भी आपका एक्स्ट्रा कीज कीचेंस वो सब लगा सकते हो। एंड यहाँ पे आपको एक जिप मिलता है। ओके, सो बैग के साथ आपको ये वाटर प्रूफ रेन कवर मिलता है। विद दिस यू गेट योर वेलक्रो स्ट्रैप एंड दिस मटेरियल इज इलास्टिक, सो राइडिंग करते वक्त इफ रेन होता है तो यू कैन कवर दिस एंड ये अपने जगह से हिलने नहीं वाला। बिकॉज लास्ट टाइम मैं जब भी राइड पे गया था, ये बैग यूज़ कर रहा था, वो मॉनसून सीजन ही था एंड आई हैव टच गुड स्पीड विद दिस कवर ऑन, बट ये कवर जगह से हिला नहीं, वो एक अच्छा था। एंड उसके साथ आपको स्ट्रैप्स मिलते हैं, ये स्ट्रैप्स आप यहाँ पे एट द स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे हुक करके आप इसको एक ऐसा कैरी बैग जैसे यूज़ कर सकते हो। एंड ये जो मटेरियल है यहाँ पे नीचे, दिस इज़ काइंड ऑफ अ लेदर एंड विच इज़ सॉफ्ट। मैंने इसको यूज़ किया, अभी तक मेरे टैंक पे मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि वहाँ पे कुछ स्क्रैचेस पड़े हैं, एवरीथिंग इज़ ऑल फाइन। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जो इसका मटेरियल है, विच इज़ हाई क्वालिटी बैलिस्टिक नाइलॉन फैब्रिक फॉर हाई डेंसिटी एब्रेशन। ऑलराइट, सो गाइज, मुझे ये बैग का और एक अच्छा लगा कि दे हैव गिवन दिस मिनी ट्रांसपेरेंट पॉकेट इन विच यू कैन कीप योर मोबाइल फ़ोन। नाउ दिस फोन इज़ OnePlus Nord 2 विच इज़ अराउंड 6 inches एंड इसी के साथ उन्होंने ये होल दिया है विच इज़ ईयरफोन होल, बट यू कैन यूज़ दिस एज टू चार्ज योर फोन इन केस इफ योर बैटरी इज़ लो। द अदर थिंग दैट इट टच सेंसिटिव है। नाउ ऑन द राइड यू कैन यूज़ दिस टू नेविगेट योर सेल्फ एंड इसका जो ये टच है वो बहुत ही अच्छा है। एज यू कैन सी, मैं बहुत ही यहाँ पे फास्ट कर रहा हूँ, बट इतना कुछ लैग नहीं है इसमें एंड विच इज़ गुड। सो गाइस, अभी हम लोग नीचे आ गए एंड नाउ लेट्स कम टू प्रैक्टिकलिटी ऑफ दिस टैंक बैग, क्योंकि टैंक बैग कुछ ऐसा दिखता है बाइक पे। ये जो दो स्ट्रैप्स है ये ऑलरेडी बैग के साथ मिलते हैं, जो कि ये यहाँ पे है दो स्ट्रैप्स एंड यहाँ पे आगे की तरफ दो स्ट्रैप है। ये कुछ आपको इस तरह अंदर से, यहाँ से अंदर से आपको लगाना पड़ता है एंड यहाँ पे सीट के अंदर ये दो स्ट्रैप जाते हैं एंड आपको कुछ नहीं करना होता है। यू हैव टू जस्ट ओपन दिस क्लिप्स एंड रिमूव द फ्रंट क्लिप्स एंड इवन इफ जब भी आपको फ्यूलिंग करना होता है
आपको खाली ये दो क्लिप ओपन करके आपको इजीली आप फ्यूल कर सकते हो, एंड फ्यूलिंग होने के बाद वापस बैग को रख दो एंड जस्ट प्लग इट इन. दिस इज एज सिंपल एज दैट. अभी सेकेंड थिंग, मैं ये बैग परचेस करने गया था तभी मैंने नोटिस किया कि मार्केट में बहुत सारा बैग्स है, जैसे कि राइनॉक्स का मैग्नापॉड एंड सो एंड सो गॉड्स का एक बैग आता है. बट आई पर्सनली मैंने ये चूज किया बिकॉज द वन थिंग, ये जो अपना बाइक है इसका जो अपना राइडिंग पोस्चर है इट इज मच मोर एग्रेसिव. सो इफ अगर आप बड़ा टैंक बैग लोगे सो वो आपके चेस्ट तक आता है. आई इवन ट्राइड राइनॉक्स का मैग्नापॉड. एक्चुअली द बैग इज वेरी गुड, बट जो बैग है टैंक बैग मैग्नापॉड मुझे बहुत ही बल्की लगा. सो फॉर दैट रीजन मैंने वो कैंसिल किया. एंड आपको मैं दिखाता हूँ अभी ये जो बैग है ना, ये मैंने पूरा ओपन किया टू इज फुल कैपेसिटी. मैंने अंदर बहुत सारा सामान रखा है, इवन मैंने क्लोथ्स रखा है. जस्ट टू शो यू द फुल साइज ऑफ दिस बैग, लेट मी शो यू. सो नाउ आपको अंदाज आ गया रहेगा कि जब भी हम लोग बैठते हैं तो ये मेरे स्टमक लेवल तक आता है. एंड वेन आई एम राइडिंग हार्डली इतना आता है एंड आई कैन इजिली टक इन. सो साइड से कुछ इस तरह दिखेगा. एंड इवन इफ आपका हेलमेट जब भी आता है तो हेलमेट के लिए भी इनफ रूम है. इवन जो लोग कैमरा यूज कर रहे हैं वो लोग के लिए भी इनफ रूम है. तो इसीलिए इसका नाम रखा है शार्क मिनी 18 लीटर्स. इसका जो नेक्स्ट वर्जन है विच इज ऑफ 28 लीटर्स, जिनके पास ड्यूक है और नेकेड बाइक्स है वो लोग 28 लीटर्स को जा सकते हैं. बट फॉर RC एंड फॉर यू नो स्पोर्ट्स बाइक पीपल, मुझे लगा कि दिस इज इनफ फॉर मी एटलीस्ट, तो इसीलिए मैंने ये लिया. एंड अदर थिंग, अगर आपके पास मोबाइल होल्डर नहीं है सो यू कैन यूज दिस एज योर मोबाइल होल्डर, एंड ऑल्सो दिस कैन हेल्प टू नेविगेट फ्रॉम वन प्लेस टू योर डेस्टिनेशन. तो ये बहुत काम में आया था मेरे प्रीवियस राइड में मुझको. एंड अभी मुझे ये बैग यूज़ करते करते 2-3 महीना हो गया एंड बहुत सही चल रहा है बैग. तो एक वॉक अराउंड देख लो ये बैग का. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना. ऐसे ऐसे नए कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो कीप अपग्रेडिंग, कीप अपशिफ्टिंग इन योर लाइफ. स्टे ट्यून्ड. बाय.